हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अशिमा पराशर। तो आज मैं फिर से आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। पिछली बार फर्स्ट वीडियो में आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज लेकर आई थी और उन्हीं के बेस पर ये क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो मैं आपको ऐसे बताते चलती हूँ कि जिस तरह से तुम्हारे एग्ज़ाम में आएंगे मल्टीपल चॉइस, किस तरह से आ सकते हैं आपके मल्टीपल चॉइस और आप कैसे सॉल्व करोगे उनको जल्दी। और पिछली वीडियो मैंने आपको ट्रिक बताई थी टेबल बनाने की, फॉर्मूलोज की। तो आप फर्स्ट वीडियो मेरी ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए अपनी वीडियो लंबी ना करते हुए करते अपने क्वेश्चन सॉल्व। तो मैंने आज आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो आज मैं एनसीईआरटी की बुक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। मैं एक्चुअली मैंने चैप्टर भी खोला हुआ है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है 8.1। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। तो ज़्यादा लेंथी तो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में नहीं आएंगे हमारे। जैसे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपनी अब मैं सॉल्व करूँगी, आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताऊँगी कैसे है। मैं एक बार फर्स्ट क्वेश्चन उतार लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कोई ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी सी हमारा कोई ट्राइंगल है, सपोज ये ए है, उसने बोला राइट एंगल एट बी, तो इसका मतलब राइट एंगल जो बनेगा वो हमारा बी पर बनेगा। राइट एंगल यानी 90 डिग्री जो बनेगी हमारी वो बी पर बनेगी। ए बी सी ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जहाँ पर ए बी जो है ये वाली लाइन जो हमें 24 दी हुई है, ठीक है। एंड बी सी जो दी हुई है वो हमें 7 दी हुई है, ठीक है। अब हमें ए सी निकालनी है, तो यहाँ पर फर्स्ट हमें दिया हुआ है साइन ए निकालिए और एक निकालना है कॉस ए। ऐसे इस तरह से आपके कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये इसमें कि साइन बी निकालिए या साइन सी से निकालिए, ऐसे। तो आप कैसे करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व मल्टीपल चॉइस में, आपको इजी रहेगा ऐसे एकदम से देखना और फिर आप उस आंसर को टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी को हम फाइंड करते हैं। तो हम ए सी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लीजिए, चाहे पहले बेस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाइपोटेनियस यहाँ पर हमको फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर क्या है 24, यानी 24 का स्क्वायर, और बेस क्या है हमारा 7, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर क्या होगा, एंड 7 का 7 जो 49, सॉरी 4 2। तो यहाँ पर देख लीजिए, छः, ठीक है। यहाँ पर हाइपोटेनियस का जो है स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ जाकर क्या बन जाएगा, रूट। और 625 किसका रूट होता है, ये तो पता ही होगा सबको कि 625 25 का रूट होता है। तो यहाँ पर 25 हमारी क्या आ गई, हाइपोटेनस। अब हमें कोस ए के अकॉर्डिंग देखना है, मैं बुक को थोड़ा साइड कर देती हूँ सो आपको इजीली दिखे, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या देखना है, कोस ए के अकॉर्डिंग। मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि हमें अगर एंगल ए से निकालना होगा तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, कोस ए और साइन ए, यानी साइन ए पिछली वीडियो में बताया था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, साइन कोस टेन कोट सैक कोसैक, इसी लाइन वाइज आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल हमें साइन ए की निकालनी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पर परपेंडिकुलर ए के अकॉर्डिंग। अब इसको ऐसे घुमा लीजिए, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, ए के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी 7, और हाइपोटेनियस वही रहेगा हमारी 25, ठीक है। ऐसे हमको क्या निकालना है, यहाँ पर कोस से निकालना है, कोस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होगी 24, ठीक है।
तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आगे के भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप अपना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन साइन ए दिया हुआ है 3/4, तो कोस ए एंड टेन ए हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए मैं क्वेश्चन एक बार उतार लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा है थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन सेम है एंड फिगर वाला क्वेश्चन है, ये फिगर में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है साइन ए हमको गिवन है 3/4, एंड हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, कॉस ए एंड टेन ए, यहाँ पर हमको कॉस ए और टेन ए जो है फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए अब आप साइन ए सेम बिल्कुल ऐसी फिगर बना लीजिए, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, इसको हम बी मान लो और इसको सी मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर साइन ए दिया हुआ 3/4, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/4। परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या है, थ्री है, तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर सामने वाला यानी ये, और हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा 4, ठीक है। सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, ठीक है। तो अब हमको ये फाइंड करना है ये, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर देखना ए एंगल क्या देख रखा है, हमें ए यहाँ पर ए के अकॉर्डिंग बेस, बेस तो हम पर है नहीं, तो हमको क्या करना है, बेस फाइंड करना है। तो लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, या फिर इसको एक्स मान लो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 4 4 16, एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9, 9 प्लस में धरा कर माइनस में, तो 9 में से 16 गए, सॉरी 16 में से 9 लेस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 7, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा हमारा, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आई, हमारी रूट के 7, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा रूट 7 आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका बेस क्या होगा, रूट 7 अपॉन हाइपोटेनियस, वही रहेगा हमारा 4, ठीक है। अब हमको क्या निकालना था, और टेन ए निकालना था हमको, ठीक है। तो यहाँ पर टेन ए, टेन ए क्या होता है, पी अपॉन बी, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 3, बेस रूट 7, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा, आगे चलते हैं हम अपना। ये भी सेम कर सकते हो आप, अगर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, मैं आपको एक एक पार्ट बताते चल रही हूँ, जिस तरह से आप क्वेश्चंस अपने सॉल्व करते चलेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने। एंड जैसे 7th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन में हमको क्या दे रहा है, आप अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठिए, क्योंकि मैं आपको बुक दिखाऊंगी तो फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। इस तरह से आप अपने बुक्स अपने पास लेकर बैठिए। 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 है, तो हमको इवेल्युएट करना है ऐसे, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस में आ सकता है ऐसे इवेल्युएट करना कि इसकी वैल्यू बताइए हमको, ठीक है। तो यहाँ पर 1 + sin θ, 1 - sin θ, 1 + cos θ और 1 - cos θ। देखो ये ना बहुत इजी ट्रिक भी है इसकी, यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, a + b a - b, किसका होता है ये फॉर्मूला, a² - b² का, क्या होता है a + b और a - b, यही होता है ना फॉर्मूला। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a² - b² ए क्या है यहाँ पर 1² - अपॉन, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोट की वैल्यू निकाल दीजिए आप,
देखो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा एक फॉर्मूला भी होता है, एक हमारा ना फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्म और बता देती हूँ, और भी इजी हो जाएगा ये आपके लिए। एक फॉर्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस, कुछ ऐसा सा लग रहा है ना देखने में, तो ठीक है हमारा भाई वन का स्क्वायर तो वन ही होगा ना हमारा, तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये वाली चीज़ यहाँ रहने दो, यहाँ साइन स्क्वायर छोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको फॉर्मूलेज याद करने मस्ट हैं, इसमें सारा बेस्ड क्वेश्चन जो है सब फॉर्मूलों पर बेस्ड है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस अपॉन साइन मैंने बताया था वो क्या था, कॉट कॉट थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ कॉट की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, सेवन अपॉन एट, इसका स्क्वायर दिया, स्क्वायर कर दो, सेवन सेवन जो 49, एट एट जो 64, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, एट क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको, बहुत ईजी है ये भी, थ्री कॉट ए इक्वल्स टू फोर, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि वन माइनस टेन स्क्वायर ए, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये वैल्यू दे देंगे और इसकी वैल्यू आप बताइए, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। देखो अब पहले यहाँ से ना ये किस थ्री किस मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉट ए इज इक्वल टू फोर एज इट इज़ रहेगा ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ कहाँ जाएगा डिवाइड, यानी कॉट ए की वैल्यू क्या आ गई फोर अपॉन थ्री, और हम देखो यहाँ पर टेन दिया हुआ है, तो हमको पता है टेन क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है, सॉरी ए, इसको उल्टा कर दो थ्री अपॉन फोर, अब टेन की जगह थ्री अपॉन फोर हो, तो कितना ईजी हुआ यहाँ पर ये, एंड थ्री अपॉन फोर का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस थ्री अपॉन फोर का। अगर आपको कुछ भी लग रहा हो, दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, मैं आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी कि मल्टीपल चॉइस में आपसे किस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वन माइनस थ्री का क्या हो जाएगा, नाइन फोर फोर जो कितना हो जाएगा हमारा सिक्सटीन, ऐसे यहाँ पर वन प्लस थ्री थ्री से नाइन फोर फोर जो कितना हो जाएगा हमारा सिक्सटीन, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 16 माइनस के 9 अपॉन 16, ठीक है, और ये ऐसे यहाँ पर जाएगा 16 प्लस के 9 अपॉन 16, तो 16 में से 9 के बचेंगे 7 अपॉन 16, वैसे यहीं पर ही कैंसिल आउट कर सकते थे थोड़ा, और मैंने कर दिया 16 17 18 19 20, तो ये कितना बैठेगा हमारा 25 अपॉन कैंसिल आउट, ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, इसकी इससे होती तो कैंसिल आउट हो गए, तब के बचा हमारा 7 अपॉन 25, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सब क्वेश्चंस बहुत इजी इजी आते जा रहे हैं आपसे, पूछते जाएंगे, और मैं आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर करके दिखाती रहूँगी, आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहें कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मैं आपको थोड़ा फास्ट बता रही हूँ तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपको किस तरह से आ सकता है एक क्वेश्चन और, मैं आपको एक इसका बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, वही राइट एंगल आपको बी पर बनाना है, टेन ए की वैल्यू दे दी है और फाइंड साइन ए कॉस सी साइन ए साइन सी, एक क्वेश्चन बता देती हूँ, इस तरह का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9th, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल दिया हुआ है राइट एंगल एट बी पर, ठीक है, तो हम राइट एंगल बना देंगे बी पर, ये रहा जैसे हमारा, एंड ये हो जाएगा हमारा ए और ये हो जाएगा हमारा बी, जो जाएगा हमारा सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको टेन ए की वैल्यू दी है क्या, वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है, ए की वैल्यू दी है वन अपॉन रूट थ्री। यहाँ पर आपको एंगल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। वही फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले,
साइन कोस टेन, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें देखना ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर वन बेस रूट थ्री। अब ए के अकॉर्डिंग घुमा लो, सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ हमें वन, ठीक है, और इसके लिए बेस हो गया ये वाला, ये क्या दिया हुआ हमें रूट थ्री, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रही हूँ, वीडियो लेंदी हो जाएगी, आपको समझ आना चाहिए जल्दी जल्दी में भी, और नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये समझ नहीं आ रहा है हमको, फिर मैं आपको दोबारा वीडियो बनाकर डालूंगी, अपलोड करूंगी। बेस हमारा वन है, परपेंडिकुलर हमारा रूट थ्री है, ठीक है, और रूट की रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फोर, एंड हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ जाएगा रूट, यानी वैल्यू आ गई टू, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी टू। अब यहाँ पर देखिए, देखने वाली चीज़ यहाँ पर समझने वाली चीज़ है आपको ये सबसे, इसकी फर्स्ट दिया हुआ है साइन, बहुत बच्चे इस चीज़ में बहुत गड़बड़ करते हैं, देखिए अब साइन ए, ठीक है, ये रहा हमारा साइन और ये रहा हमारा कोस, ठीक है, साइन क्या है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए के अकॉर्डिंग है ना, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर वन, एच क्या हो गया टू, यानी वन अपॉन टू, इसमें यहाँ पर कुछ डॉट है तो इसको मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। कॉस सी, अब देखना हमें सी के अकॉर्डिंग, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है सी के लिए वन, हाइपोटेनियस क्या है टू, प्लस कॉस ए, कॉस ए ये रहा ए, ए वाला एंगल ये रहा, ठीक है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इसके लिए ए के लिए क्या होगा ये रहा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस टू वही रहेगा, एंड साइन सी, अब सी ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसके लिए परपेंडिकुलर रूट थ्री, एंड हाइपोटेनियस क्या होगा टू, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, वन वन जा वन, टू टू जा टू, प्लस रूट थ्री, रूट थ्री थ्री, एंड टू टू जा सॉरी यहाँ पर फोर आएगा, मिस्टेक हो गई सॉरी, ठीक है, एलसीएम लीजिए चार और वन प्लस थ्री, यानी ये भी हो गया फोर अपॉन फोर, कैंसिल आउट, फोर वन जा फोर, ये देखिए, ठीक है। मैंने आपको इस तरह का बता दीजिए, मल्टीपल चॉइस में आता है ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे मैंने आपको बता दिया है, और बिल्कुल गड़बड़ ना करें, एंगल को कॉपी को अपने ऐसे घुमा लीजिए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। एंड इसमें इतना ही था हमारा 8.1 में, तो इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में नहीं आते हैं, टेबल मैंने आपको कल बताई थी वीडियो में, एंड देन अब आते हैं यहाँ पर 8.2। ठीक है, 8.2 एक्सरसाइज, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इस टाइप के भी आपके एमसीक्यू में मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले जाते ही मैंने आपको बताया था कि टेबल उतार लेनी है, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, प्लस साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर हमको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी रूट थ्री बाय टू, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री बाय टू, ठीक है। अब यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है एंड कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो रूट थ्री, रूट थ्री थ्री, टू टू जा वन, वन जा वन, टू टू जा एलसीएम आंसर आ गया वन, तो वहाँ पर दे देंगे वन है, जीरो है, रूट थ्री बाय टू, इस तरह से आपको वैल्यू देंगे तो आपको वैल्यू बताने कि इसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा। इस तरह से आप और क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर सकते हैं, एंड यहाँ पर बस आपको अपनी सारी वैल्यूज रखते हुए चलना है, तो बहुत ही ईजी है ये आपके क्वेश्चंस, ओके, तो ये तो आप कर ही लोगे सारे क्वेश्चंस इस टाइप के, मैंने आपको एक टाइप बता दिया है, ठीक है,
चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो इस टाइप के भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ मल्टीपल चॉइस में। सेकंड क्वेश्चन का से फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, 2 tan 30 degree अपॉन 1 plus tan square 30 degree। ठीक है, आपको यहाँ पर याद करना मस्ट है कि वैल्यू क्या होती है। सबसे मैंने आपको बताया स्टेबल ही उतार देना, यही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है याद करने से, तो नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको एग्ज़ाम टाइम पे। ठीक है, वैसे मैंने तो इस मुझे 10-30 और 10-60 में ना बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं कैसे याद करती हूँ कि 30 जो है ना वैल्यू 10 जो है 30 जो है 10-60 से छोटा है ना। अब 60 तो 30 से सॉरी 30 तो 60 से छोटा ही होता है ना, तो छोटा हमेशा क्या आता है अपॉन में आ जाती है चीज़ है ना, जितनी अपॉन में होगी उतनी छोटी होती चली जाएगी। ये रहा, मैंने तो इस तरह से इसको याद किया था, अपॉन वाली चीज़ छोटी होती है तो 30 वाली ही आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जाएगा हमारा 1/√3 एंड 1 plus 1/√, ये भी 30 है तो इसका भी ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या जाएगा 2/√3 एंड अपॉन 1 plus 1/√3, रूट थ्री इसका स्क्वायर है तो 3 बन जाएगा। ठीक है, 2/√3 और ये एलसीएम 3 बन जाए 3 plus 1 4/3। ठीक है, इसकी इससे तो क्या आएगा 2 multiply 3/√3 multiply 4 2 2 जा, तो हमारा क्या बचा 3/√3 ना। आंसर मोस्टली ये होता है कि नीचे रूट थ्री नहीं आना चाहिए, अगर मल्टीपल चॉइस में आपका आंसर यहाँ तक है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो इसको आगे और सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं रूट थ्री की ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, √3 √3 3 हो जाएगा यहाँ पर, ये ऊपर कोई बात नहीं, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या गया √3/2। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसमें दिया हुआ है sin 60 cos 60 tan 60, साइन 30 की वैल्यू नहीं होती, टेन 60 की नहीं होती, cos 60 की वैल्यू नहीं होती, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा साइन 60। ठीक है, सेकंड में क्या दिया हुआ है हमको कि 1 plus 1 minus tan square 45 तो 45 की वैल्यू तो आपको पता ही है, tan में 1 होती है। ठीक है, तो ये तो आप कर ही लोगे सॉल्व, वैसे भी बता देती हूँ फिर भी अगर किसी को ना समझ आया तो। ठीक है, तो 1 minus 10 45 की वैल्यू 1 होती है डिग्री, और ये 1 plus इसका 1, भाई 1 का अगर 1 की पावर 1000 भी होगी ना तो 1 ही होगा वो। ठीक है, 1 minus 1 क्या हो गया हमारे यहाँ पे 0, और 1 plus 1 क्या हो गया हमारे यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो 0/2 क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या है, sin 2 is equals to 2 sin a इज ट्रू वेन a। ठीक है, यहाँ पर a को वैल्यू रखकर देख लेना, अगर हम a की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे sin 0 0 हो जाएगा ये तो हमारा। ठीक है, तो sin 2 is 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा 1 a आएगा। 30 रखोगे तो वैल्यू हमारी चेंज होती चली जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, टू टेन 30 1 minus tan square 30 वही सेम बिल्कुल, टेन 30 की वैल्यू रखना और यहाँ पर टेन 30 की वैल्यू रखकर इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, मस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110% आता है बोर्ड में, ज़रूर आता है ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इफ tan a plus b is equals to, मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताती चल रही हूँ नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी हमारी, एंड tan a minus k b is equals to 1/√3। ठीक है, एंड 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू a एंड b, a एंड b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर देखिए, तो फिर आप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर कर लेना ध्यान से, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो
ए प्लस के बी इज इक्वल रूट थ्री की इसकी वैल्यू होती है, मैंने आपको अभी इजी ट्रिक बताई थी है ना, जो अपॉन में होता है वो छोटा होता है, तो ये 60 की हो जाएगी वैल्यू और ये हो जाएगा टेन ए माइनस के बी इज इक्वल्स टू 10 30। ठीक है, 10 अगर ऐसे होता है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये बचेगा हमारा ए प्लस के बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड ए माइनस के बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, कैंसिल आउट, 2a इज इक्वल्स टू कितना बच गया हमारा 90, 2 4 8 2 5 10 यानी a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 45। b की वैल्यू और फाइंड करनी है हमको। ठीक है, तो किसी भी ये फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन कोई सी भी इक्वेशन पुट कर दो, फर्स्ट में करना है तो 45 हो जाएगा a प्लस के b इज इक्वल्स टू कितना आ गया 60 डिग्री, b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर 45 प्लस का है यहाँ पर, तो कितना बचा 15। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में कि जो a होना चाहिए बड़ा होना चाहिए b से, a बड़ा ये b से है ना, तो ये हमारा ठीक है, ये देख लीजिए आप एक बार। इस तरह का क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखो मैं यहां पर आपको स्टेटमेंट बता देती हूं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, हमें ना इसको बताना है कि ये ट्रू है या मतलब ठीक है या गलत है। अब देखिए यहां पर अगर हम ए की वैल्यू 30 रखते हैं और बी की 60 रखते हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक बार ऐसे ही सॉल्व करके दिखा देती हूँ ये वाला। फर्स्ट इसका क्या है, साइन ए प्लस के बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस के साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू सपोज करो मैंने 30 रख दी और बी की वैल्यू जो मैंने रख दी वो 60 रख दी, ठीक है, तो यहाँ पर रखूँगा 30 और 60 90 हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू ये हो जाएगा हमारा, मैं लिख देती हूँ पहले ऐसे, प्लस के साइन 60। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। देखते हैं ये वैल्यू 2 1+√3 है ना, तो ये फॉल्स, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, इन्होंने दिया है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है तो नो, ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, अगर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या थीटा भी इंक्रीज हो रहा है, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने पर थीटा भी इंक्रीज होता चला जाएगा। अब मैंने आपको कल मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको, जैसे टेबल है हमारी, ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू जैसे हम बढ़ाते चलेंगे तो क्या हो रहा है, हमारी थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है ना भाई, 0 होती 1/2 होगी, 1/√2 होगी, √3/2 1 हो गई, 0 से फिर यहाँ तक आ गई 1 आ गई, तो यानी क्या हो रही है, साइन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या आएगा हमारा, ट्रू। थर्ड, यहाँ पर दिया द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो वही बिल्कुल सेम। अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ 1 थी, अब यहाँ पर जो है ये थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती जा रही है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। अब यहाँ पर क्या दिया है हमको, साइन साइन थीटा इज इक्वल्स टू है कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज थीटा, सारी वैल्यूज के लिए इक्वल होंगे नहीं, क्योंकि देखो कैसे नहीं होंगे, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है, एक वैल्यू पर इक्वल होंगे सिर्फ ये 45 पर, क्योंकि 45 पर मस्टली दोनों की वैल्यू एक होती है, साइन कोस की टेन कोट की सेम होती है ना, हर किसी पर सेम नहीं होगी, इनकी सिर्फ 45 पर सेम होगी और किसी पर सेम नहीं होगी। साइन 30 की वैल्यू रखूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पर भी अगर मैं साइन 30 की वैल्यू रखूँ तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2 आ जाएगी और यहाँ पर कॉस 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2 आ जाएगी, तो गलत है ये, ठीक है, ये फॉल्स है। फिफ्थ स्टेटमेंट कहते हैं कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू जीरो,
अब हमारा देखो, सॉरी फिफ्थ, कॉट क्या होता है हमारा, कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। जीरो वैल्यू रख के देखें अगर हम, कॉस ए अपॉन, सॉरी कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो, तो हमें पता है कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, किसी के भी नीचे जीरो आ जाए तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो हाँ, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइन फॉर ए इज इक्वल्स टू जीरो, अगर हम ए की वैल्यू जीरो रखते हैं तो कॉट ए इज नॉट डिफाइन, तो दिस इज ट्रू। तो 8.2 में आपका इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एग्जांपल 8 है सेम, एंड इसका क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको मल्टीपल चॉइस में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अपना अच्छे से वाले यूनिट करके जाएँ, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करके जाएँ अच्छे से, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड कल मैंने आपको फॉर्मुलेज थोड़े से बताए थे, उसमें थोड़े रह गए थे, एंड इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ एक बार, इस वाले 8.3 में आपके जो फॉर्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। यहाँ पर 8.3 में आपको साइड में दे भी देंगे, वैसे ये इसके फॉर्मूलेज हैं, ये रहे, मैं आपको यहीं बताती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। साइन 90 माइनस ए, ए कर लो, एंगल कुछ भी मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, कॉस ए, टेन 90 माइनस से कॉट ए, सेक 90 माइनस से कोसेक ए। तो इस तरह से ये हमारे फॉर्मूलेज हैं, आप इन फॉर्मूलों को ज़रूर करके जाइए, ये हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूलेज तो हो गए, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इसमें ना ध्यान रखिए, जाता है जो अपॉन वाले होते हैं ना उसमें वन आता है उसका आंसर, एंड जो माइनस में होता है उनका जीरो आता है, ये थोड़ा सा ट्रिक है इसकी, लेकिन किसी किसी में, हर किसी में नहीं, ठीक है। तो मोस्टली वन आता है, अपॉन में होता है, और मोस्टली माइनस में होता है तो ज़ीरो आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 करेंगे तो 18 आ जाएगा ना हमारा, अपॉन कॉस 72 डिग्री। और अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूले में देखा है कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, यानी साइन 90 माइनस कोई भी एंगल हमारा, तो आ जाएगा कॉस की डिग्री में, कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, कैंसिल आउट वन, ठीक है, ये रहा हमारा। एंड इस तरह से आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और मैं आपको एक बार माइनस वाला और बता दूँ, थर्ड वाला जो हमारा माइनस वाला है, कॉस 48 डिग्री माइनस के साइन 42 डिग्री, ठीक है। तो या तो इसको साइन में चेंज कर लीजिए या इसको कॉस में चेंज कर लीजिए, तो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉस 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42, 48 होता है हमारा, है ना, साइन 42, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, देखा था मैंने, हमने अभी बताया था आपको, है ना, 42 डिग्री, तो ये कैंसिल आउट हो गए तो ज़ीरो आ गया। इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पर तो आपको दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, लेकिन मल्टीपल जो उसमें पूछेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, क्या आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व करके दिखा देती हूँ, एनसीईआरटी का 8.3 का 2 का फर्स्ट पार्ट, 10 43 डिग्री, 10 42 डिग्री, मैं बता दे रही हूँ वैसे, क्योंकि मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो इसका आंसर मोस्टली वन ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको दिया हुआ है वन, प्रूव करना है, लेकिन मल्टीपल चॉइस में ऐसा नहीं आएगा ना, तो ऐसा भी आ सकता है इज इक्वल टू वन करके, ट्रू है फॉल्स है ऐसा कुछ आ सकता है ना। तो यहाँ पर 10 को किसी दो को चेंज कर लीजिए ना, तो यहाँ पर हम कोट में चेंज कर लेते हैं इसको, तो 10 48 को कह सकते हैं हम, 90 माइनस अगर हम 42 कर दें तो 48 हो जाएगा, है ना, और इसको कर लेते हैं हम 10 90 माइनस के 67, तो 23 बन जाएगा हमारा, ठीक है।
टेन, इसको एज इट इज़ लिख लीजिए क्योंकि दो हम चेंज कर चुके हैं, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 42, कॉट 67, टेन 42 और टेन 67, ठीक है। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है। यहाँ पर देखो दोनों के थीटा जो हैं सेम है बिल्कुल, है ना। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, कॉट थीटा टेन थीटा इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर कितना आ गया हमारा 1, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी तरह से है, आप सॉल्व देखो, ये माइनस में आ गए तो 0 आ रहा है इसका, है ना। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए इसका। थर्ड बता देती हूँ मैं आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। इफ टेन 2a दिया हुआ है हमको, कॉट ए माइनस के 18 डिग्री, और यहाँ पर दिया हुआ 2a इज एन एक्यूट एंगल, 2a यानी एक्यूट एंगल होना चाहिए हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो 90 से छोटे वाले एक्यूट होते हैं, तो यहाँ पर हम कॉट के टर्म में इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पर टेन को कैसे कॉट के टर्म में कर सकते हैं, कॉट 90 माइनस के 18, मैंने आपको बताया इस तरह से ऐसे कैंसिल आउट हो जाते हैं, 90 डिग्री माइनस के 2a, 90 डिग्री माइनस इधर आ जाएगा प्लस के 18 डिग्री हो जाएगा, एंड a इधर जाके प्लस के 2a हो जाएगा, ठीक है। 90 प्लस 18 108 डिग्री, और ये हो जाएगा 3a, 3 3 9 3 6, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 36 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर 36 डिग्री। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि 2a इज एन एक्यूट एंगल, तो 2a कितना है हमारा यहाँ पर 36, अब देखते हैं एक्यूट एंगल है या नहीं है। 6 2 12 1 2 2 2 3 6 7 72 डिग्री आ रहा है, ठीक है, यानी 90 से छोटा है अभी भी, है ना। तो दिस इज एन एक्यूट एंगल। आप आगे के इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है और इसी तरीके से सॉल्व होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मस्ट हैं, तो ज़रूर इनको याद रखिए। जेरे मैंने आपको फॉर्मुलेस बता दी थी, जो कॉस ए इज इक्वल्स कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, ये आपके बहुत ज़रूरी है और आगे क्वेश्चन में यूज़ होंगे आपके, है ना। तो इसमें आपके बहुत लेंदी क्वेश्चन हैं, तो मल्टीपल चॉइस में इस तरह के लेंदी क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं आपको 8.4 के क्वेश्चंस और बता देती हूँ, तो आपका पूरा चैप्टर इसी में ही छोटी वीडियो में क्लियर हो गया है। क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, तो हमारा आ जाएगा 8.4, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ने मतलब इसमें आपको क्या टर्म में बताने होंगे, तो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थर्ड से आपके मल्टीपल चॉइस जो आएंगे वो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट हैं। एंड यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको कन्वर्ट कर लो या इसको कर लो, किसी एक को कर लो। तो हम फर्स्ट वाले को कर लेते हैं कन्वर्ट, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस के साइन स्क्वायर 27
सॉरी अभी यहाँ पर साइन आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई। ठीक है इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये कॉस ये ऐसी रहेगा, 17 को कैसे लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री माइनस के 90 73 जाएंगे तो 17 बचेंगे हमारे। ठीक है और यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर 73, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस, ठीक है साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस के कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है अब यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है भाई, ये चीज़ देखना आप, ये सेम है तो यानी ए है दोनों तरफ। ठीक है और देखिए एंगल दोनों के सेम है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है 1, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है 1, दिस आंसर इज 1। ठीक है तो इस तरह से आप हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सेम है बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करने का। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। ठीक है तो मैं आपको इसके सॉल्व करती चलती हूँ और आपको बता देती हूँ। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, 8.4 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर a, 9 tan स्क्वायर a, तो इसकी वैल्यू बताएं। दोनों तरफ 9 है, 9 कॉमन ले ले हम, ठीक है। तो मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि sec स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है ये कई तरीके से सॉल्व हो सकता है, वैसे अगर हम टेन को यहाँ उठा के ले आए कि सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए तो कितना बचेगा 1, तो यही है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका 9, यानी बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा। देखो आपको ट्रिक बता देती हूँ मैं याद क्वेश्चन सॉल्व करने की कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि स्टार्टिंग कैसे करें क्वेश्चन की, है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इजी ट्रिक है इसकी, आपके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होते चले जाएंगे। देखो कुछ भी कोई भी हो, टैन हो सेक हो कॉट हो कोसेक हो, सबको साइन कॉस की टर्म में तोड़ दो, क्योंकि मोस्टली सबको साइन कॉस के फॉर्मूले बहुत ईजिली याद हो जाते हैं, तो बहुत इजी बन जाएगा हमारे। ये क्या होएगा हमारा साइन थीटा अपॉन सेक थीटा, क्या होता है 1 अपॉन के। अब देखना आप कितना इजी बनेगा और कितनी जल्दी ये क्वेश्चन होगा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, उल्टा होता है ना, टेन का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये होता है हमारा साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद करने ज़रूरी है, लेकिन इसमें ठीक है हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, कुछ नहीं बना, तो क्या बनता है कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ नीचे कुछ नहीं है, 1 कॉस थीटा जा 1 कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा की 1 में करेंगे तो ये बचेगा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट है तो क्या बचेगा साइन थीटा, यहाँ भी कॉस से कॉस कैंसिल आउट है तो 1। ठीक है ऐसे यहाँ पर साइन थीटा, तो यहाँ जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा और यह आ जाएगा 1। ठीक है अब यहाँ पर कुछ आपको ऐसा बन लग रहा है कि फॉर्मूला सा बन रहा हो, ये देखो ये पूरी टर्म a प्लस बी और ये पूरी टर्म a माइनस के बी। ठीक है आपको देखना है कि क्या फॉर्मूला बनता जा रहा है, बस ये देखता चलना आपको। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है और नीचे क्या है कॉस थीटा साइन थीटा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़। ठीक है नहीं तो आपको बहुत लेंदी पड़ता, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई फिर इसकी इसमें, ऐसे करते तो लंबा पड़ जाता। सो देखा करो कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, उसी से हमारी ट्रिक बनती चली जाएगी, ईजी सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर क्या करो, फॉर्मूला देखो किसका खुल रहा है, वन ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी
माइनस के, वन का स्क्वायर वन ही होता है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, बस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, टू कॉस थीटा साइन थीटा। इस तरह के क्वेश्चंस का बहुत तरीके होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन जो तुम्हारा इजी बैठ रहा हो, लेकिन बस सबसे इजी यही टर्म है कि साइन कोस में तोड़ दो सबको, वन से वन कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारा टू कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे बचा हमारा कॉस थीटा, दोनों मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट, तो क्या बच गया हमारा टू। तो टू यहाँ पर देखिए, टू टू इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड का हमारा टू आंसर आएगा, ठीक है। एंड इस तरह से आप साइन कोस टैन वाले भी सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत ये भी तुम्हारा बहुत इजी बन जाएगा। आपको मैं फिर से बता रही हूँ कि साइन कोस में इसको तोड़ देना, इसको सेक को तोड़ देना वन अपॉन कोस, टैन को तोड़ देना साइन अपॉन कोस, एंड तुम्हारा आगे होके सॉल्व होता चला जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ये हमारा सॉल्व होगा। सारे फॉर्मूले वाइज हमारे, बस आपको इसमें फॉर्मूले याद करने हैं, यही मस्ट है सबसे ज़्यादा आपके लिए। और आप ऐसी मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें वीडियोस को। मेरी ये दूसरी वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइए। वैसे नेक्स्ट मैं ट्रायंगल सोच रही हूँ सॉल्व करने के लिए पूरा चैप्टर, एंड मैं ट्रायंगल की ट्रिक्स बताऊँगी आपको और सारे क्वेश्चंस उसके सॉल्व करके दिखाऊँगी। आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, लेंथी वीडियो हो गई है वैसे भी थोड़ी, लेकिन आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है मैंने। इसमें कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें एंड उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो एंड ये हमारी पूरा चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री का, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।